Alleluia! Alleluia! Praise God! Praise God! We should shout when we say praise Lord. हम जब परमेश्वर की महिमा हो ऐसा बोलते हैं तब हमें चिल्लाना चाहिए. Praise God! Praise God! Alleluia! Alleluia! Our God is good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. So we should shout. इसीलिए हमें चिल्लाना चाहिए. Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता हूँ. It's His grace that He has gathered here. वो ये उसकी कृपा है कि उसने हमें यहाँ इकट्ठा किया है. And given us this new day. और हमें ये नया दिन दिया है. Why He has gathered us and why He has created this day. उसने ये दिन क्यों बनाया और हमें इकट्ठा क्यों किया? We should find out the reason. उसकी वजह हमें ढूंढ निकालनी चाहिए. So we should come in His presence. इसीलिए हमें उसकी उपस्थिति में आना चाहिए. We should listen His voice. हमें उसका आवाज सुनना चाहिए. We should know Him better every day. और हर रोज हमें उसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए. We should come more close to Him. हमें उसकी और करीब आना चाहिए. Amen. Amen. This is the day the Lord has made. ये वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है. Let's prepare our heart to listen His voice. और उसका आवाज सुनने के लिए आइए हमारे हृदयों को तैयार करें. Let's close our eyes before going to word. वचन में जाने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें. And pray to our Father. और हमारे पिता से प्रार्थना करें. Who is there to listen? जो हमारे लिए सुनने के सुनता है. And we believe Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. Who came from heaven to earth? जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया. जस्ट टू गिव अस लाइफ. केवल हमें जीवन देने के लिए. एंड वी बिलीव हिम. और हम उसमें विश्वास करते हैं. एंड वी लव हिम. और हम उससे प्रेम करते हैं. एंड वी बिलीव हिज प्रॉमिस, जीसस क्राइस्ट प्रॉमिस. और हम यीशु मसीह के वायदों पर हम विश्वास करते हैं. वी बिलीव व्हाट ही प्रॉमिस्ड. जो वायदा उसने किया, जो वचन उसने दिए, उस पर हम विश्वास करते हैं. And we believe Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं. Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं. Father, we come in Jesus name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं. Thank you for gathering. आपने हमें इकट्ठा किया, आपका धन्यवाद. Today talk with each one. आज हर एक के साथ बात करो. Give us revelation. हमें प्रकटीकरण दो. Give us strength. हमें सामर्थ्य दो. We are coming more close to you. हम आपके और करीब आते हैं. We want to come more close to you. हम आपके और करीब आना चाहते हैं. Open our ears. हमारे कानों को खोल दो. Open our eyes. हमारी आंखें खोल दो. Open our heart. हमारे हृदयों को खोल दो. And give us understanding. और हमें समझ दो. Bless with your word. आपके वचन से आशीष दो. As we are going to listen your word, जैसे हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं, talk to us. हमारे साथ बात करो. Holy Spirit, talk to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करो. We believe you are. हम ये विश्वास करते हैं कि आप हो. You are here. आप यहाँ हो. Talk to us. हमारे साथ बात करो. Give us strength. हमें सामर्थ दो. And give us vision. और हमें दर्शन दो. Give us reason why you have gathered us. और आपने क्यों हमें इकट्ठा किया, उसकी वजह आप हमें बताओ. Talk to us. हमारे साथ बात करो. All disturbance go in Jesus name. सारी गड़बड़ी यीशु के नाम में चली जाए. All confusion go in Jesus name. सारी गड़बड़ी यीशु के नाम में चली जाए. Each one understand what they are going to listen. और हर एक व्यक्ति जो सुनने जा रहा है वो बात समझ ले. In Jesus name. यीशु के नाम में. Let's say amen. आइए आमेन कहे. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wake up. And shout! जाग जाओ और चिल्लाओ. Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! When we read John 4 and 24, जब हम यूहन्ना की किताब उसका चौथा अध्याय और 24वां वचन पढ़ते हैं, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, what he said, उसने क्या कहा? Listen, सुनो, what he said, उसने क्या कहा? God is spirit, परमेश्वर आत्मा है. But we quote from this text, this word that God is spirit, is Holy Spirit. लेकिन ये वचन से हम ऐसा निर्देश करते हैं कि जो परमेश्वर आत्मा है वो पवित्र आत्मा है. Anyone can read 22 verse and 24 verse. कोई भी पढ़ सकता है यूहन्ना का सुसमाचार चौथा अध्याय 22वां वचन और 24वां वचन. God Jesus Christ taught. यीशु मसीह ने ये सिखाया. What he taught, I'm asking. उसने क्या सिखाया वो मैं पूछ रहा हूँ. What he said. यीशु ने क्या कहा. Anyone can read in English. कोई भी अंग्रेजी में पढ़ सकता है. John 4 and 22. यूहन्ना का सुसमाचार चौथा अध्याय और 22वां वचन. Yes. You give worship, but without. You give worship without knowing
योर फादर और गॉड। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। Of what you are worshipping, we are worshipping to what we have knowledge of. We know whom we are talking and whom we are in fellowship and whom we are dedicating and whom we are singing to. लेकिन हम उसे जानते हैं जिसके साथ हम बात करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं और जिसके लिए हम समर्पित हैं, उसे हम जानते हैं। We worship him whom we know. जिसे हम जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? We worship him whom we know. जिसे हम जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। And in 24 verse? और 24वें वचन में? What he said? यीशु ने क्या कहा? God is spirit. God whom we know, he is spirit. जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो आत्मा है। Whom we know, he is spirit. हम जिसे जानते हैं वो आत्मा है। Jesus said, you don't know whom to worship. यीशु ने कहा कि तुम किसकी आराधना करनी चाहिए वो तुम नहीं जानते। The time is coming when you will worship Father. लेकिन समय आ रहा है जब तुम पिता की आराधना करोगे। So Jesus said, Father is God. तो यीशु ने कहा कि पिता परमेश्वर है। And Father is spirit. और वो पिता आत्मा है। But many say, look, Holy Spirit, he is also God. From this they quote. लेकिन बहुत लोग ये वचन से ऐसा दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। Where it is written? कहाँ पर ये लिखा गया है? So people say John 4:24. इसीलिए लोग यूहन्ना का सुसमाचार 4:24 वचन दिखाते हैं। Jesus didn't say Holy Spirit is God. यीशु ने ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। But Jesus said. लेकिन यीशु ने कहा, God is your father. परमेश्वर वो तुम्हारा पिता है। And who is God? And परमेश्वर कौन है? Who is father? पिता कौन है? He is spirit. वो आत्मा है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। So we should not quote like that word. तो उस तरह से हमें ये वचन नहीं दिखाना चाहिए। We believe Holy Spirit is God. हम ये विश्वास करते हैं, मानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। But Jesus said. लेकिन यीशु ने कहा, God whom you don't know, he is spirit. जो परमेश्वर है, जिसे तुम नहीं जानते, वो आत्मा है। And he is father. और वो पिता है। So Bible says, father is spirit. तो बाइबल ये कहता है कि पिता आत्मा है। He said, father. यीशु ने कहा पिता आत्मा है। Lord never said God to anyone. प्रभु ने किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं कहा। He said to father. उसने पिता से कहा। He said God is spirit. यीशु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है। Time is coming and even now here when the true worshipper. लेकिन समय आ रहा है और यहाँ पर भी सच्चे बजने वाले। There are true worshipper. सच्चाई से भक्ति करने वाले लोग। Will worship Father. वो पिता की आराधना करेंगे। In true way of the Spirit. आत्मा की सच्ची रीति से वो आराधना करेंगे। They will worship Father as Spirit lead. वो लोग पिता की आराधना जैसे आत्मा उनकी अगुवाई करेगा उस तरह से करेंगे। Not with their common sense. उनका जो ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान उसके अनुसार नहीं करेंगे। They will not worship Father with what they have learned from the world. वो लोग उन्होंने दुनिया से जो सीखा है उससे पिता की आराधना नहीं करेंगे। But they will know who is God. And then they will worship and praise him. लेकिन वो लोग परमेश्वर कौन है वो पहले जानेंगे, उसके बाद उसकी आराधना करेंगे और महिमा करेंगे। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Before worshiping him, we should know his spirit. वो उसकी आराधना करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो आत्मा है। Paul writes in 2 Corinthians 3:17. पौलुस ये लिखता है दूसरा कोरिन्थी 3:17 वचन। He said, Lord, you know who is Lord? He is Jesus Christ. उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि प्रभु कौन है? वो यीशु मसीह है। And Lord is Spirit. और वो प्रभु आत्मा है। Jesus was Spirit. यीशु आत्मा था। He was Spirit. वो आत्मा था। And took a form of flesh. और उसने शरीर धारण किया।
Jesus was spirit. यीशु आत्मा था. And he became visible. और वो दृश्यमान हुआ, प्रकट हुआ. He was not known. वो पहले जाना हुआ नहीं था. But when he came in flesh, people recognized him. लेकिन जब वो शरीर लेके शरीर में आया, तब लोगों ने उसे पहचाना. जी, Paul says. पौलुस कहता है. Lord is spirit. प्रभु आत्मा है. And where he is, और जहां पर प्रभु है, there is heart, the heart is free. और हृदय, लोगों का हृदय वहां पर स्वतंत्रता को महसूस करता है. Lord Jesus was spirit and he is spirit. प्रभु यीशु आत्मा था और वो आत्मा है. And he became flesh. और वो इंसान बना, मनुष्य बना. He became visible. वो प्रकट हुआ, दृश्यमान हुआ. One can know him. कोई व्यक्ति उसे जान सके ऐसा. Praise God. परमेश्वर की महिमा. One can understand him. और कोई मनुष्य उसे समझ सके ऐसा. One can talk with him. और मनुष्य उसके साथ बात कर सके ऐसा. One can know him when he was there here. और जब वो यहाँ था, तब इंसान उसे जान सके ऐसा वो बना. If he is spirit, we cannot know him. यदि वो आत्मा है तो हम उसे नहीं जान सकते. We cannot listen him. हम उसे नहीं सुन सकते. We cannot understand him. हम उसे समझ नहीं सकते. He became flesh. लेकिन वो मनुष्य बना. He became visible. वो दृश्यमान हुआ, प्रकट हुआ, दिखा. We can recognize him. हम उसे पहचान सके ऐसा. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Jesus Christ said. यीशु मसीह ने कहा. John 15:26. योहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 26वां वचन. The Comforter will come. संबोधक आएगा. He is spirit. सहायक आएगा, जो आत्मा है. He is spirit of truth. वो सच्चाई का आत्मा है. Comforter will, the helper will come. सहायक आएगा. He is also, he is spirit. वो भी आत्मा है. He is true spirit. वो सत्य का आत्मा है. He will come. वो आएगा. So we believe three spirit. तो हम तीन आत्मा में विश्वास करते हैं. Father is spirit. पिता आत्मा है. We cannot see him. हम उसे नहीं देख सकते. Lord is spirit. प्रभु भी आत्मा है. We cannot see him. हम उसे भी नहीं देख सकते. And comforter, Holy Spirit. He is also spirit. और सहायक, पवित्र आत्मा, वो भी आत्मा है. And Bible teaches that they are in supreme authority. और बाइबल ऐसा सिखाता है कि वो सबसे ऊपर के अधिकारी है. And when we study Bible, we know that they are not in any connection. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि वो तीनों का कोई संबंध नहीं है. Without any relation, they are. कोई संबंध के बिना ही वो तीन है. They are different. वो अलग है. They are separated. वो एक दूसरे से अलग है. We can find difference between them. और उनके अंदर हम अलग अलग बातें को देख सकते हैं. But they are spirit. लेकिन वो आत्मा है. They came in unity. वो एकता में आए. This shows they are humble. ये यह दिखाता है कि वो अलग होते हुए भी नम्र है. When someone come in unity. जब कोई एक होकर आते हैं. When someone become unite, when someone unite, जब कोई जुड़ जाते हैं, एक होते हैं, this shows that they are humble. तो ये यह दिखाता है कि वो लोग नम्र है. This sign of maturity. और ये समझदारी का चिन्ह है. This sign of love. और ये प्रेम का प्रतीक है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. There are three spirit. तीन आत्मा है. Father is spirit. पिता आत्मा है. जी, Lord is spirit. प्रभु यीशु आत्मा है. And comforter. He is also spirit. और सहायक, पवित्र आत्मा, वो भी आत्मा है. I'm not going to make a study about Trinity. मैं त्रिएकता के बारे में कोई अभ्यास कराने वाला नहीं हूँ. But I want to tell you who is he. लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि वो कौन है. Whom we worship, we should know him. हम जिसकी आराधना करते हैं, उसको हमें जान लेना चाहिए. He talks. वो बात करता है. But he is invisible. लेकिन वो अदृश्य है. It is like color. Like I am taking example of color. मैं दृष्टांत लेता हूँ कि ये एक रंग के जैसा है. Three color. तीन रंग. We call it color. हम उसे रंग कहते हैं. Red.
If I say red, यदि मैं लाल कहूँ, you know what I'm talking about. तो फिर आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. I'm talking about color. कि मैं रंग के बारे में बात कर रहा हूँ. Red, लाल. When I speak blue, जब मैं भूरा बोलूँ, then you understand I'm talking about color. तब आप समझ जाते हो कि मैं रंग के बारे में बात. Yellow. और जब मैं पीला बोलूँ. You know, I'm talking about. तब आप जान जाते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. They are different. वो तीनों अलग है. But they have identity. लेकिन उनकी पहचान है. They are being known as color. उनको उस तरह से अलग अलग नाम के रंग से जाना जाता है. Bible says. Bible कहता है. Angels are spirit. देवदूत आत्मा है. Hebrew 1:7. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और सातवां वचन. Angels. Angel is spirit. देवदूत आत्मा है. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. Lord is spirit. प्रभु आत्मा है. Comforter, when he will come, he is true spirit. और सहायक जब वो आएगा तो वो भी सत्य का आत्मा है. Angel are spirit. देवदूत भी आत्मा है. In Zechariah 12:1, Bible says. और जखारिया की किताब 12वां अध्याय पहला वचन बाइबल कहता है. Lord is the former of spirit of man. प्रभु ही इंसान मनुष्य के आत्मा का रचिता है, बनाने वाला है. Spirit of man is inside of man. मनुष्य का आत्मा मनुष्य के अंदर है. Lord Jehovah says. प्रभु यहोवा कहता है. He declare. वो ये घोषणा करता है. Who he is? वो कौन है? He is the one who has framed spirit, who has Form the spirit within the man. वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य के अंदर आत्मा की रचना की. What is spirit? और आत्मा क्या है? It is not having any shape. वो आत्मा का कोई आकार नहीं है. But having character. लेकिन उसका एक चरित्र है. Like love. जैसे कि प्रेम. Even we hate people. हम लोगों से नफरत भी करते हैं. What is that? वो क्या है? We call it nature. वो उसे हम स्वभाव कहते हैं. It is spirit. वो आत्मा है. एंग्रीनेस, गुस्सा. When we are angry, जब हम गुस्सा करते हैं. There is nature, proud nature. तो उसमें एक अभिमान का स्वभाव होता है. People have nature like nature, proud, proud nature. लोगों का स्वभाव, अभिमान का स्वभाव भी लोगों में होता है. What is this? वो क्या है? This is spirit. ये आत्मा है. And if someone is angry, और यदि कोई गुस्से में है, then he can do anything. तो वो कुछ भी कर सकता है. He can kill anyone. वो किसी को भी मार सकता है. What is this? ये क्या है? This is not power. ये सामर्थ्य नहीं है. But this is a nature. लेकिन ये स्वभाव है. This is spirit. ये आत्मा है. So we say away from this angry man. इसीलिए हम कहते हैं कि एक क्रोध करने वाले व्यक्ति से दूर रहना. He is having spirit. वो आत्मा से ग्रस्त है. He is having big spirit. उसके पास बहुत बड़ा आत्मा है. He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है. He will be mad. वो पागल भी हो सकता है. If he is full of angerness. यदि वो पूरा गुस्से में होगा. Man moves when spirit is, he is full of spirit. जब इंसान आत्मा से भर जाता है तो इंसान हिलने लगता है, चलने फिरने लगता है. He moves, he is led. उसे अगुवाई मिलती है और वो आगे काम करता है. When someone pray, कोई प्रार्थना कब करता है? When spirit comes. जब आत्मा आता है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. When people make song. लोग गाने कब बनाते हैं? When spirit comes. जब आत्मा आता है. Big spirit comes. जब बड़ा आत्मा आता है. People don't go to sleep then. उसके बाद लोग सोते नहीं हैं. But they write song. लेकिन वो गाना लिखते हैं. Compose song. वो गाना बनाते हैं. People are led by spirit. लोगों को आत्मा से अगुवाई मिलती है. Listen, Bible says. सुनो, बाइबल कहता है. God is just. परमेश्वर न्यायी है, God is holy. परमेश्वर पवित्र है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. Now when Bible says God is love, अब जब बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर प्रेम है. When Bible says God is holy, जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर पवित्र है. Then what come in your mind? तो आपके दिमाग में क्या आता है? Two hands. दो हाथ. What you think? आप क्या सोचते हो? You think of nature. आप वो उसके स्वभाव के बारे में सोचते हो. दिस ऑल वी कैन सी
By experience. ये सारी बातें हम अनुभव से देख सकते हैं. God is love. परमेश्वर प्रेम है. We feel it. हम वो महसूस करते हैं. God is spirit. Jesus conclude. यीशु ये नतीजे पर आए कि परमेश्वर आत्मा है. He is spiritual being. वो आत्मिक, उसका अस्तित्व आत्मिक है, वो आत्मिक व्यक्ति है. Spirit is a nature. आत्मा एक स्वभाव है. Spirit, it is invisible. आत्मा अदृश्य है. But we can see in nature. लेकिन स्वभाव में हम उसे देख सकते हैं. In action we can see. और कार्यों में हम देख सकते हैं. So don't tell that so me God. So don't ask so me God. इसीलिए ऐसा मत किसी से पूछना कि मुझे परमेश्वर दिखाओ. Jesus revealed God when he died. यीशु जब मर गए तब उसने परमेश्वर को प्रकट किया. This much he loves. इतना उसने प्रेम किया. God so loved. परमेश्वर ने प्रेम किया. And Jesus Christ showed it in action. और यीशु मसीह ने कार्य में वो प्रेम दिखाया. Roman 1:21. रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21वां वचन. Paul, Saint Paul, Apostle Paul writes. Listen. संत पौलुस और प्रेरित पौलुस ये लिखता है. People know what God is like. लोग जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है. But they did not remember how great he is. लेकिन वो लोगों ने याद नहीं रखा कि वो परमेश्वर कितना महान है. People having the knowledge of God, he says this thing. पौलुस ये कहता है कि लोगों के पास परमेश्वर के बारे में ज्ञान है. But they don't recognize and give him glory. लेकिन वो लोगों ने वो पहचाना नहीं और उसे महिमा नहीं दी. Didn't say thank you. उसे उसका धन्यवाद नहीं किया. Paul says when you are gathered. पौलुस कहता है कि जब तुम इकट्ठा होते हो. When you gather for worship. जब तुम आराधना के लिए इकट्ठा होते हो. 1 Corinthians 14:23. पहला कोरिन्थी 14:23 वचन. If whole church is gathered. यदि सारी कलीसिया इकट्ठा हुई है. And start speaking in tongues. और सब अन्य भाषा बोलने लगे. If uneducated or unknown person stranger comes in your meeting. और कोई अजनबी व्यक्ति आपके संगति में आता है. Then they will say they are out of mind. तब वो लोग विश्वासियों को ऐसा कहेंगे कि ये लोग पागल हो गए. They are mad. ये लोग पागल हैं. Look this gathering, they are gathered crowd, they are shouting. ये इकट्ठा हुए लोग चिल्ला रहे हैं. They are mad. और वो पागल हैं. They don't know anyone, they are not knowing, they are not seeing anyone and they are shouting. ये लोग किसी को देख नहीं पा रहे हैं और ऐसे ही चिल्ला रहे हैं. And saying praise Lord. और कह रहे हैं परमेश्वर की महिमा हो. Jesus Christ, we worship you. यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं. Unbeliever come. कोई अविश्वासी आता है. And says, where is your Jesus Christ? और वो पूछता है कि तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है? Whom we are saying thank you. हम जिसकी And whom you are talking? किसको तुम धन्यवाद दे रहे हो और किसके साथ तुम बात कर रहे हो? There's no one here. यहाँ पर तो कोई नहीं है. You are fool people. तुम मूर्ख लोग हो. But when the stranger comes. लेकिन जब अविश्वासी आता है. And if you prophesy. और आप यदि भविष्यवाणी करो. Then he will find who he is. तब वो व्यक्ति को पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन है. He will know that how you know me. और तब वो व्यक्ति सोचेगा कि तुम सब मुझे कैसे जानते हो. How you come to know what wrong I did. मैंने जो गलत किया है वो तुम्हें कैसे पता चला. There is someone. कि वो कोई तो है. Who is invisible. जो अदृश्य है. He is spirit. वो आत्मा है. He is within you. वो आपके अंदर है. He will confess that you are right and God is there, we believe. और वो व्यक्ति कबूल करेगा कि तुम सच्चे हो और परमेश्वर का अस्तित्व है, वो अब मैं मानता हूँ. The secret of his heart will be made clear. उसके हृदय की गुप्त बातें प्रकट होगी. And the stranger will fall on his face and give glory to God. और वो व्यक्ति अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को महिमा देगा. And will say, truly, God is among you. और कहेगा कि सच में परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. And he will go out and say, God is in that group. और वो बाहर जाके कहेगा कि वो कलीसिया में परमेश्वर है. And another will he will bring another person. और वो दूसरे व्यक्ति को भी लेके आएगा. And he will say us, where is your God? और फिर वो पूछेगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? And we will say, God is spirit. और हम कहेंगे कि परमेश्वर आत्मा है. You cannot see him. आ तुम उसे देख नहीं सकते. But you will see him. लेकिन तुम उसे देखोगे. And when we love him. और जब हम उससे प्रेम. When we love the stranger. जब वो अजनबी व्यक्ति से हम जब प्रेम करेंगे. When we will talk about him. और उसके बारे में जब हम बात करेंगे. And if we prophesy. और यदि हम भविष्यवाणी करें उसके लिए. And
then he will come to know really God is. तब वो उसे पता चलेगा कि सच में परमेश्वर है. And he will fear. और वो servant of God. और वो परमेश्वर के सेवकों से डरेगा. He will fear Christian people. और ईसाई लोगों से वो डरेगा. And will say God really is here. और कहेगा कि सच में परमेश्वर यहाँ है. There is no statue in their church. उनकी कलीसिया में कोई मूर्ति नहीं है. But God is with him. लेकिन with them. लेकिन उनके साथ परमेश्वर है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. People will go and tell. लोग जाकर कहेंगे. We experience God. हमने परमेश्वर का अनुभव किया. But in many churches. लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में. People say we saw angel. लोग ऐसा कहते हैं कि हमने दूतों को देखा. We saw Jesus Christ with white robe. हमने यीशु मसीह को सफेद कपड़े पहना हुआ देखा. Really God is. हाँ सच में परमेश्वर है. But if they see us. लेकिन यदि वो हमें देखे. Then they will say. तो वो कहेंगे. God is not with you. कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है. But we saw Jesus Christ. लेकिन हमने यीशु मसीह. They came in your meeting. वो आपकी संगति में आए थे. And my eyes were open. और मेरी आंखें खुली थी. And I saw Jesus Christ. और मैंने यीशु मसीह को देखा. But I didn't saw Jesus Christ in you. लेकिन यीशु मसीह को आपके अंदर मैंने नहीं देखा. And the church will say. और कलीसिया वो कलीसिया के लोग कहेंगे. For 100 years we never saw. सालों तक हमने नहीं देखा. And you stranger came and saw Jesus Christ. और तू अजनबी होके तू आया और तूने यीशु मसीह को देख लिया. And you saw angels. You saw angels. और तूने देवदूतों को देखा. God will go with him. परमेश्वर उसके साथ जाएगा. We are worshiping God. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं. Still we didn't saw him. अब तक फिर भी हमने उसको नहीं देखा. This is very, very poor and this is very sad. एक बहुत ही दुखी बहुत ही दुख करने वाली बात है. God knows our heart. परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है. God when he do wonder. परमेश्वर जब अद्भुत काम करता है. When God do impossible thing. जब परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर देता है. Then people say really God is. तब लोग कहेंगे कि सच में परमेश्वर है. God is known by experience. परमेश्वर को अनुभव से जाना जाता है. God is known by his nature. परमेश्वर को उसके स्वभाव के द्वारा जाना जा सकता है. When God judge we say God is. जब परमेश्वर न्याय करता है तब हम कहते हैं कि परमेश्वर है. We say really he is living. तब हम मानते हैं कहते हैं कि सच में परमेश्वर जीवित है. He really listen my cry. उसने सच में मेरा रोना सुना. He really knows me. वो सच में मुझे जानता है. He is spirit. वो आत्मा है. That's God. परमेश्वर की महिमा हो. Bible says God is spirit but having body. बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है लेकिन उसका शरीर है. Genesis 1 and 26. उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन. Three spirit came together and said. तीन आत्मा एक साथ आए और उन्होंने बात की. They were talking. वो लोग बात कर रहे थे. One said. एक ने कहा. It was his desire. ये उसकी इच्छा थी. And he said. और उसने कहा. Let us make man. क्या ये मनुष्य को बनाए. In our image and like us. अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए. When God said, Spirit said, जब आत्मा ने परमेश्वर ने कहा, Let us make man in our image and in our likeness. हम हमारे स्वरूप में और प्रतिमा में इंसान को बनाए. Now we have body. अब हमारे पास शरीर है. We are created in image of God. हमें परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया है. But we have body. लेकिन हमारे पास शरीर है. But we don't know spirit. लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते. We are known by our nature. हम हमारे स्वभाव से जाने जाते हैं. Spiritual knows spiritual nature, spiritual things. आत्मिक लोग आत्मिक बातों को जानते हैं. We can know God by His presence. हम परमेश्वर को उसकी उपस्थिति के द्वारा जान सकते हैं. When we know Him, जब हम उसे जानते हैं, then we will fear Him. तब हम उसका डर रखेंगे. Then we will know His power. तब हम उसके सामर्थ को जानेंगे. He is invisible, but he works miracle. वो अदृश्य है लेकिन वो चमत्कार करता है. We can sense his feeling. और उसके प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं. We can even experience power.
हम उसके सामर्थ्य का भी अनुभव कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लव और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। वी एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ व्हेन वी आर वीक। जब हम कमजोर होते हैं तब हमें सामर्थ्य का अनुभव होता है। वी गेट अंडरस्टैंडिंग। हमें समझदारी मिलती है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। ऑल अनकन्फ्यूजन थिंग गोज। और सारी उलझन है, गड़बड़ी वाली बात निकल जाती है। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हम समझना शुरू कर देते हैं। हु इज ही? वो कौन है? ही इज गॉड। वो परमेश्वर है। वी शुड नो हिम। हमें उसे जानना चाहिए। हु हैड ब्रॉट अस नियर बाइबल। जिसने हमें, जो हमें बाइबल के करीब लेके आया है। हु हैड लेड अस टू बिलीव जीसस क्राइस्ट। और जिसने हमारी अगुवाई की ताकि हम यीशु मसीह में विश्वास करें। ही वर्क्स इनविजिबली। वो अदृश्य रीति से काम करता है। इफ वी ओपन आवर आईज टुडे। और यदि आज हम हमारी आंखें खोले। वेयर वी आर। तो और हम सोचे कि हम कहां हैं। हु ब्रॉट मी हियर। मुझे यहाँ कौन लेके आया? He is spirit. वो आत्मा है। We should know him. हमें उसे जानना चाहिए। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। He is spirit, so we feel something when we are talking about him. जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ महसूस होता है क्योंकि वो आत्मा है। We like him. हम उसे पसंद When करते हैं। When we talk about him, someone like him. जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो कोई वो आत्मा से आत्मा को प्रेम करने लगता है, पसंद करता है। और someone ignore. और कोई उसे इनकार करता है। Something happen when we talk about spirit. जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो कुछ होता है। Someone are convinced. किसी को खातरी मिलती है। And someone deny. और कोई ऐसा होता है जो वो आत्मा का नकार करता है। Someone listen. कोई सुनता है। Someone come forward. और कोई आगे भी आता है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus said. यीशु ने कहा। Spirit will come. आत्मा आएगा। Comforter will come. सहायक आएगा। He will teach. वो सिखाएगा। He will speak. वो बोलेगा। He will whatever he will listen, he will speak. जो कुछ भी वो सुनेगा वो बोलेगा। He will lead you. वो तुम्हारी अगवाही करेगा। He will make you remember what I said. जो कुछ मैंने कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। He will show you who belongs to me. और वो तुम्हें ये दिखाएगा कि कौन मेरे है। Who are mine? He will open your eyes. मेरे कौन है वो दिखाने के लिए वो तुम्हारी आंखें खोलेगा। He will make you realize. वो तुम्हें वास्तविकता दिखाएगा। He will When he will come, he will convince you. जब वो आएगा तब वो तुम्हें खात्री देगा। He will make you sure in your heart. वो तुम्हें तुम्हारे हृदय में निश्चित कर देगा। What you sin, you have to confess back then. आपने जो पाप किया उसकी खात्री जब आपको मिल जाएगी तब आपको वो कबूल करना पड़ेगा। Praise God. परमेश्वर की महिमा। He will make you realize. वो आपको वो दिखाएगा। He will make you confess. और वो आपको वो कबूल भी कराएगा। एनी इन योर हार्ट यू विल बी श्योर। और उसके लिए आपके हृदय में आपको खात्री भी मिल जाएगी। व्हाट मिस्टेक यू डिड ही विल मेक यू रियलाइज। कौन सी गलती आपने की वो आपको बताएगा। सो यू विल हैव टू कन्फेस। तो फिर आपको वो कबूल करना पड़ेगा। अंटिल यू डोंट कन्फेस यू विल Feel uneasy in your heart. जब तक आप वो कबूल नहीं करोगे तब तक आपको अपने अंदर अच्छा नहीं लगेगा। You will not see peace. आपके अंदर शांति नहीं मिलेगी। Jesus said, when he will come. यीशु ने कहा कि जब वो आएगा। You will able to judge then. तब आप न्याय भी कर पाओगे। What is good and what is evil, you will make differentiate. कौन क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो उसका भेदभाव आप कर पाओगे। What is right and what is wrong, he will Make you sure. क्या गलत है और क्या सही है वो पवित्र आत्मा आपको निश्चित करके देगा। When the spirit will come, जब आत्मा आएगा, what is true and what is false, he will say. तो सच्चा क्या, सच क्या है और झूठ क्या है वो बताएगा। What to believe and what to doubt, he will say. और क्या विश्वास करना चाहिए और किस में संदेह करना चाहिए वो कहेगा। What to eat and what not to eat, he will से और वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी वो कहेगा। Whom to receive and whom to deny, he will say. किसका स्वागत करना चाहिए और किसका नकार करना चाहिए वो कहेगा। What to choose and what to throw away, he will say. किसको पसंद करना चाहिए और किसे फेंक देना चाहिए वो कहेगा। Whom to follow and whom to flee away,
he will say. किसके पीछे चलना चाहिए और किससे दूर भाग जाना चाहिए वो बताएगा. Who is Lord and who is Satan? He will show. और प्रभु कौन है और शैतान कौन है वो बताएगा. Who is God and who is liar? He will show. परमेश्वर कौन है और झूठा कौन है वो दिखाएगा. When the Spirit will come, he will make you good judge. जब आत्मा आएगा तब वो एक अच्छा न्याय आपको अच्छा न्यायाधीश बनाएगा. He will open your eyes. वो आपकी आंखें खोलेगा. To whom to you, whom to receive. किसको स्वीकार कर किसका स्वीकार करना चाहिए. Lord said, when he will come, you receive. प्रभु ने कहा कि जब वो आएगा आत्मा आएगा तब आप पाओ. You receive him. तब आप उसे पाना उसका स्वीकार करना. You welcome him. उसका स्वागत करना. Accept him. उसको स्वीकार लेना. Love him. उससे प्रेम करना. Take him within you. Take with you. आपके साथ आपके अंदर वो आत्मा को लेना. Receive him as your God. और वो आपका परमेश्वर है उस तरह से उसे पा लेना. Let he judge you and let he walk, make you walk. और उसे वो आपका न्याय करने दो और उसे आपके साथ चलने आपको चलाने दो. Lord said he is spirit. प्रभु ने कहा कि वो आत्मा है. And you will see him after. और उसे तुम बाद में देखोगे. When you will in his experience. जब आप उसके साथ अनुभव में आओगे तब देखोगे. You will see signs. तब आप उसके चिन्ह देखोगे. You will see things taking place. तब आप सारी बातों को होते हुए देखोगे. You will fall in love with him. और आप उसके प्रेम में पड़ोगे. And you will deny the world. और आप ये दुनिया का नकार करने लगोगे. You will love to walk with him. और उससे उसके साथ चलने में आपकी दिलचस्पी लगेगी. You will love to be in his presence. और उसकी उपस्थिति में रहना आपको अच्छा लगेगा. You will also be happy to be with him. और उसके साथ रहने में आपको खुशी होगी. Jesus said. यीशु ने कहा. Spirit will come. आत्मा आएगा. I will not leave you alone. मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you alone in this world. इस दुनिया में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. I will not make you fatherless. मैं तुम्हें पिता के बिना नहीं रखूंगा. I will not let you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और बिना सहायक का नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you as orphan. मैं तुम्हें अनाथ के जैसे नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you alone. मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. But spirit will come. लेकिन आत्मा आएगा. You love him. तुम मुझसे प्रेम करना. His spirit of truth. वो सच्चाई का आत्मा है. His spirit of comforter. वो सहाय देने वाला आत्मा है, सहायक है. He is God. वो परमेश्वर है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. And you will know him. और तुम उसे जानोगे. He will stay with you. वो आपके साथ रहेगा. He will abide with you. वो आपके साथ जुड़ेगा. He will never leave you. वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा. He will not depart from you. वो तुमसे कभी अलग नहीं होगा. For a second he will not leave you. एक पल के लिए भी वो आपको नहीं छोड़ेगा. He will wish to be dwelling well with you. वो उसको इच्छा रखेगा कि वो आपके अंदर रहे. He want to continue remain with you. और वो आपके साथ बने रहने का वो उसकी वो इच्छा है. Jesus said when evil spirit goes. यीशु ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाता है. He find place. तब उसे वो जगह ढूंढता है और उसे to be with. वो जगह में रह सके ऐसी जगह वो ढूंढता है. God made this body. परमेश्वर ने शरीर बनाया. He want to dwell in us. वो हमारे अंदर रहना चाहता है. He is spirit. वो आत्मा है. Where we can get power. Through him we can get power. और उसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है. We get इंस्पिरेशन. हमें प्रेरणा मिलती है. वी स्टार्ट लिसनिंग वॉइस. और उसका आवाज सुनना हम शुरू कर देते हैं. वी आर हैप्पीली लीड लेड बाय हिम. और खुशी से हमें उसकी अगुवाही मिलती है. वी स्टार्ट बिलीविंग द स्पिरिट. हम आत्मा में विश्वास करना शुरू कर देते हैं. वी लाइक टू टेक हिज एडवाइस. और उसकी सलाह लेना हमें पसंद होता होने लगता है. वी स्टार्ट बिलीविंग एंड फॉलोइंग व्हाट ही सेज. और वो जो कहता है उसमें हम विश्वास करना और उसके पीछे चलना हम शुरू कर देते हैं. व्हेन ही ड्वेल्स. जब वो हमारे अंदर रहता है. देन वी नो दैट नाउ आई एम फिल्ड विद समवन. तब हम ये जानते हैं कि अब मैं किसी कोई मेरे अंदर आया है और किसी से मैं भरा हुआ हूँ. He is invisible. वो अदृश्य है. But he, when we are sleeping, he keep on doing wonder.
लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब भी वो अद्भुत काम करना जारी रखता है। He keeps on working for us. और हमारे लिए काम करना वो जारी रखता है। He keep on loving us. और वो हमसे प्रेम करना जारी रखता है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। When Jesus said, जब यीशु ने कहा, Father is spirit. पिता आत्मा है। Jesus said, Holy Spirit, the Comforter is spirit. और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सहायक वो भी आत्मा है। Where it is written? ये कहाँ पर लिखा गया है? John 15:26. योहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 26वां वचन। Comforter, He is spirit. सहायक वो आत्मा है। So when Holy Spirit will come, तो जब पवित्र आत्मा आएगा, He will be in spirit form. वो आत्मा के आत्मा की प्रतिमा में होगा। He will not take any Human form. वो इंसानों के जैसा कोई आकार नहीं लेगा। Verse 26, anyone can read. कोई भी 26वां वचन पढ़ सकते हैं। In English. अंग्रेजी में। Yes, when the counselor comes. When the counselor will come, comforter will come. Whom I will send to Jesus you. Said, whom I will send to you. From the Father. The Spirit of Truth. Even the Spirit of Truth. He is the Spirit of Truth. परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा अर्थात प्रेज गॉड जिसका अर्थ है सत्य का आत्मा प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा हो कंफर्टर ही इज स्पिरिट सहायक वो आत्मा है प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा हो एंड व्हेन वी जॉइन विद द स्पिरिट और जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं 1 Corinthians 6:17 पहला कोरिन्थी 6:17 वचन वी Come, we unite with him then. हम उसके बाद उसके साथ एक हो जाते हैं। We become one with him. उसके साथ हम एक होते हैं। We are been colored with him. के रंग में रंग जाते हैं। This is good English. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Then people can't know us. तब लोग हमें नहीं जान पाएंगे। They will say, you are वंडरफुल पर्सन लोग कहने लगेंगे कि तुम तो अद्भुत लोग हो यू आर नॉट मैन तुम इंसान नहीं हो यू आर स्पिरिट तुम आत्मा हो यू आर एंजल तुम दूत हो व्हेन वी यूनाइट विद स्पिरिट जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं व्हेन सैमुअल वाज सेड यू गो एंड अनॉइंट वन पर्सन एज किंग जब समूएल को ये कहा गया कि तू जाकर एक व्यक्ति को वो राजा है ऐसा उसका अभिषेक कर वन ब्रदर केम तो एक भाई आया एंड समूएल सेड दैट दिस इज अ टॉल एंड स्ट्रांग पर्सन ही माइट बी किंग एक व्यक्ति समूएल के सामने आया और समूएल ने सोचा कि ये व्यक्ति हट्टा कट्टा है और ऊंचा है तो ये ही शायद राजा होगा एंड लॉर्ड गॉड टॉक विद समूएल और प्रभु यहोवा ने समूएल के साथ बात की गॉड स्पिरिट परमेश्वर आत्मा है सो लेट अस से स्पिरिट टॉक विद सैमुएल तो आइए कहे कि आत्मा ने समूएल के साथ बात की ही अंडरस्टूड और उस समूएल ने वो समझा गॉड डोंट लुक एट आउटर परमेश्वर बाहर का देखाव नहीं देखता है ही सी स्पिरिट वो आत्मा को देखता है गॉड परमेश्वर की महिमा हो गॉड इज लव परमेश्वर प्रेम है अवर लव एंड गॉड लव इज डिफर हमारा प्रेम और परमेश्वर का प्रेम अलग है When we follow God's love, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते उसके पीछे चलते हैं then we are full with his love. तब हम वो उसके प्रेम से भर जाते हैं So we are full with God. तो हम परमेश्वर से भर जाते हैं When we agree with Spirit, जब हम आत्मा के साथ एक होते हैं we become one with him. तब हम उसके साथ एक होते हैं God save us from sin. परमेश्वर हमें पाप से बचाता है दिस व्हाट वी प्रे लॉर्ड सेव अस फ्रॉम सिन ये हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पाप से बचाओ डिलीवर फ्रॉम सिन हमें पाप से छुड़ाओ नाउ व्हाट इज स्पिरिट व्हाट इज सिन तो अब पाप क्या है नॉट नो डॉक्टर अ विजिबल डॉक्टर कैन मेक इट आउट कोई भी दृश्यमान वैद्य जो डॉक्टर होता है वो पाप को बाहर नहीं निकाल सकता ही कैन नॉट ऑपरेट एंड मेक इट आउट कोई वो ऑपरेशन रिमूव इट पाप को निकाल नहीं सकता It needs invisible. उसके लिए अदृश्य का सहारा लेना पड़ता है We want people to know us. हम ये चाहते हैं कि लोग हमें जाने How will they know us? और वो हमें कैसे जानेंगे Invisible, some invisible if he act.
यदि कोई अदृश्य हमारे लिए काम करे तो प्रेज गॉड, गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, वी कैन नॉट सी हिम, वी कैन नॉट सी हिम, हम उसे नहीं देख सकते, इनविजिबल ही विल डू, लेकिन अदृश्य रीति से वो काम करेगा, ही डज, और वो करता है, वी बिलीव इन हिम, और हम उसमें विश्वास करते हैं, सो वी प्रे क्लोजिंग अवर आईज, इसीलिए हम हमारी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, बिकॉज़ वी डोंट यूज अवर आईज टू सी हिम, इसीलिए कि हम हमारी आंखें उसको देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा, सो नो 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 नीड ऑफ दिस आईज, इसीलिए आंखों की कोई जरूरत नहीं, इफ अ पर्सन इज अ बिग स्ट्रांग पर्सन, इफ वी सी हिम, यदि कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है और हम उसे देखे, वी से व्हाट अ स्ट्रांग मैन, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये कितना हट्टा कट्टा व्यक्ति है, एंड इफ वी से किल दिस पर्सन, और यदि किल दिस काउ, और उस व्यक्ति से हम ऐसा कहें कि ये गाय को मार दे, काट दे, गाय को काट दे, इवन इफ ही इज स्ट्रांग, यदि वो बहुत ही ताकतवर होगा, ही विल नॉट एबल टू डू, वो तो भी वो नहीं कर पाएगा, व्हाई, क्यों, वी सी इफ ही सी His strength. क्योंकि हम उसके वो हट्टे कट्टे शरीर को देखते हैं. We don't see spirit. लेकिन आत्मा को नहीं देखते. Because he says we don't kill cow. क्योंकि वो ऐसा मानता है, कहता है कि हम गाय को नहीं मारते. We cannot see eye. We cannot see the thing inside. उसके अंदर जो है वो हम नहीं देख सकते. So we need spirit. इसीलिए हमें आत्मा की जरूरत है. Jesus taught about God. यीशु ने परमेश्वर के बारे में सिखाया. He was walking with spirit. वो आत्मा के साथ चल रहा था. We should walk with spirit. हमें आत्मा के साथ चलना चाहिए. Never use our eyes. हमारी आँखों का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए. Never use our ears. हमारे कानों का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए. If we see our from eyes, यदि हमारी आँखों से हम देखे, then it is impossible. तो फिर असंभव हो जाएगा. Amen. Amen. We should use God. हमें परमेश्वर का उपयोग करना चाहिए. Amen. We should use spirit. हमें आत्मा का इस्तेमाल करना चाहिए. He is invisible. वो अदृश्य है. But take away, remove our sin. लेकिन वो हमारे पापों को दूर कर देता है. Remove all our misunderstanding. हमारी सारी गैर समझ को वो दूर कर देता Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. And thank Jesus Christ. और यीशु मसीह का धन्यवाद करें. He taught God is spirit. उसने सिखाया कि परमेश्वर आत्मा है. And I am going to send Comforter who is with Father. और परमेश्वर के साथ जो है वो सहायक को मैं भेजने वाला हूँ. Even he is spirit. वो भी आत्मा है. And Bible says. और बाइबल कहता है. Paul said. पौलुस ने कहा. Lord Jesus Christ is spirit. प्रभु यीशु मसीह आत्मा है. Right now we don't see him. अब उसे हम नहीं देख सकते हैं. But he is working among us. लेकिन वो हमारे बीच में काम कर रहा है. We should not go in search for him. हमें उसे देखने के लिए भागना नहीं चाहिए. Where we are, he is there. हम जहां पर भी है वहां पर वो हमारे साथ है. He knows better than anyone. कोई भी व्यक्ति से बेहतर रीति से वो जानता है. He knows our us. He knows us. वो हमें जानता है. He knows our weakness. वो हमारी कमजोरी जानता है. And when we talk with him, the spirit, Lord. और जब हम वो प्रभु आत्मा के साथ बात करते हैं, he knows better and have the right answer. तो वो उसे अच्छी तरह से वो समझ में आता है और वो हमें अच्छा जवाब देता है. When we pray, he listens. जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है. So never doubt. तो कभी भी संदेह मत करो. Father in Jesus name we are here. पिता यीशु के नाम में हम यहाँ हैं. By faith we are gathered. विश्वास के साथ हम इकट्ठा हुए हैं. We believe you are there. हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ हो. Amen. We believe Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं. Holy Spirit, you are the one who talks to us. पवित्र आत्मा आप हो जो हमारे साथ बात करते हो. We unite with you. हम आपके साथ एक होते हैं. Whatever you say, we agree with you. आप जो कुछ भी कहते हो उसके साथ हम सहमत होते हैं. We want to follow your advice. हम आपकी सलाह मानना चाहते हैं. Whatever you command, we will do it. आप जो कुछ भी आज्ञा दोगे वो हम करेंगे. We will follow your instruction. हम आपका आपकी हर सलाह को मानेंगे. We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते हैं. Talk to us. हमारे साथ बात करो. We are listening. हम सुन रहे हैं. In your spirit, you talk to us. हमारे आत्मा में आप हमारे साथ बात करो. Open our ears. हमारे कानों को खोल दो. Spiritual ears be open. हमारे आत्मिक कानों को खोल दो. Spiritual eyes be open. हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए. Heart be open for the word. और वचन के लिए हमारे हृदय खुल जाए. So that we can
Tell the world, God, our God is living God. इसीलिए कि हम जगत को कह सके कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. And He is Spirit. और वो आत्मा है. And He is the one, the only God. और वो ही केवल एक सच्चा परमेश्वर है. He is the Spirit of Truth. वो सच्चाई का आत्मा है. He was with Bible saint. वो बाइबल के संतों के साथ था. And whatever He pleased, people did. और उसको जिससे खुशी मिलती थी वो सारी बातें लोगों ने की. All over. Bible saint followed him. हमारे सारे बाइबल के संत उसके पीछे चले. So he was with them. तो वो आत्मा उसके उनके साथ था. Lord, we are uniting with you. प्रभु हम आपके साथ एक हो रहे हैं. We join with you. हम आपके साथ जुड़ते हैं. Whatever your Bible word say, we agree with you. आपका वचन जो कुछ भी कहता है वो उसके साथ आपके साथ हम सहमत होते हैं. What you want? We do, we will do it. आप जो कुछ भी चाहते हो वो हम करेंगे. So that we please you, we want to please you. इसीलिए कि हम आपको खुश कर सके हम. If you say forgive, we say forgive, we will forgive. यदि आप कहे कि माफी दो तो हम माफ करेंगे. We will do it right now, Lord. हम यही समय में हम वो करेंगे. We want to listen more. हम ज्यादा सुनना चाहते हैं. We want to be accurate. और हम स्पष्ट होना चाहते हैं. We want to be as Elijah. हम एलिया के जैसे बनना चाहते हैं. एलिसा के जैसे बनना चाहते हैं. Naaman said. और नामान ने कहा. There is God in Israel. कि इज़राइल में परमेश्वर है. Let the world say there is God in this church. और ये दुनिया कहे कि ये कलीसिया में परमेश्वर है. Start working, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू कर दो. We understand all your word. हम आपके सारे वचनों को समझते हैं. Your word. हमने आपके वचन पढ़े. Today whatever been preached. आज जो कुछ भी बोला गया प्रचार किया गया. Whatever, what all is been sown in a heart. और हृदयों में जो कुछ भी बोया गया है. Let it be understood and be multiplied. वो सब हर एक व्यक्ति समझ ले और उसका दुगना फल लाए. Let it be grow in Jesus name. वो यीशु के नाम में बढ़े. Let each one understand spirit. हर एक व्यक्ति आत्मा को समझ ले. And never use eyes. और कभी भी दृष्टि का सहारा ना ले. Never use ear. और कभी भी आँख और कान का उपयोग ना करे. Never listen to world. कभी भी इस जगत की बात ना सुने. But listen the voice of spirit. लेकिन आत्मा की आवाज को सुने. Lead us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें. Our Father with thy heaven. हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. Pure is thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. तेरा राज्य आए. Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो. Give us our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो. And forgive our debts. और हमारे अपराधों को क्षमा कर. As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया. Lead us not into temptation, Lord. और हमें परीक्षा में ना लाओ प्रभु. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ. For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thine is power. पराक्रम आपका है. Thine is glory. महिमा आपकी है. Forever you are king. सदा के लिए आप राजा हो. You are our God. आप हमारे परमेश्वर हो. Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो.